हेलो एवरीवन। सो आज मैं आया हूँ हिडन विलेज में, जो कि आठ गांव में आता है। आठ गांव आने के लिए आपको कसारा की ट्रेन पकड़नी होती है और आसन गांव का अगला स्टॉप ही आठ गांव है। तो ये कुछ 2 से 2.5 घंटा लगता है कांदिवली से आने के लिए। बाकी आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ से आप देख लो। मुझे तो ऐसा था कि कांदिवली से आना था दादर, फिर दादर से आना था आठ गांव, और हुआ ऐसा कि जो कसारा की ट्रेन है, जो एक्चुअल कसारा की ट्रेन है जो आठ गांव रुकती है, वो ट्रेन नहीं मिली। तो हम लोग आसनगांव उतरे, आसनगांव से ऑटो ली जो कि 11 किलोमीटर है वहाँ से। ये हिडन विलेज 150 रुपीज़ में हम लोग को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो हम लोग डे पिक निकले आए और सुबह आए शाम को निकल जाएंगे। तो आपको दिखाऊंगा कि इस रिसॉर्ट में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है, वो सब आपको इस पूरे वीडियो में देखने मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को। चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। दिस इज़ द पार्किंग एरिया और ये है हिडन विलेज का एंट्रेंस। ये वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम, और ये है रिसेप्शन। सो नाउ आई एम फीलिंग हंग्री, तो क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है मैं आपको पूरा दिखाता हूँ आगे के वीडियो में। स्टे ट्यून। डाइनिंग एरिया और फूड कोर्ट है ये। यहाँ पे कुछ बर्ड्स वगैरह है, सब बाहर चले गए। मुर्गे थे यहाँ पे, सब बाहर चले गए। तो आगे जाके इनके सारे रूम्स हैं, अलग अलग टाइप के रूम्स हैं। वुडन व्यू है, फर्न हाउस है, पार्टी हाउस है। यहाँ पे इनका है आउटडोर गेम्स के लिए। यहाँ पे आप लोग आउटडोर गेम्स का एंजॉय कर सकते हैं, बट हम लोगों ने तो कुछ लाए नहीं है, तो क्या खेलेंगे। यहाँ पे स्विमिंग पूल और वहाँ पे ऊपर है इंडोर गेम्स। ऊपर भी सारे रूम्स हैं, सबको अलग अलग नाम दिया गया है। यहाँ पे फॉरेस्ट व्यू रूम है जो हमने किया है। बाकी ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूम्स हैं और सारे एसी रूम्स हैं। और यहाँ पे एक छोटा वाटरफॉल भी है। तो यहाँ पे जो रूम हमने लिया है वो है फॉरेस्ट व्यू। ऐसा फॉरेस्ट दिखता है इसलिए उसको फॉरेस्ट व्यू बोला गया है। और हमारे रूम के पीछे से ही स्विमिंग पूल के लिए भी दिया गया है, तो वहाँ से भी हम लोग जाके स्विमिंग पूल एंजॉय कर सकते हैं। और जो रूम लिया हम लोग ने वो बाथटब के साथ है। तो टोटल जो प्राइस लिया है इन्होंने 5,530 रुपीज़ रूम और फूड इंक्लूसिव। तो ये बाथ टब दिया है जिसमें दो लोग आराम से नहा सकते हैं। और यहाँ पे दिया है कमोड, छोटा सा फ्रिज
और यहाँ से दिखता है, दिखता क्या, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं स्विमिंग पूल में। तो ये कुछ इस तरीके का स्विमिंग पूल है, काफी बड़ा है। हम लोग वहां से आए, वाटरफॉल में नहाए, फिर स्विमिंग पूल में नहाए, फिर बाथ टब में नहाए और फिर शावर लिया। मज़ा आ गया आज एकदम नहाने में। तो अभी फ्रेश होके हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, और जो गेम से वो सब थोड़ा सा देखेंगे, खेलेंगे और थोड़ा उसको इंजॉय करेंगे। 6:30 बजे का चेकआउट है, तो उसके पहले सब कर लेंगे तो अच्छा ही ना। तो चलो अभी जा रहे हैं लंच करने और उसके बाद थोड़े गेम्स खेलेंगे, और आपको ये प्रॉपर्टी भी पूरा दिखाता हूँ कि कैसा क्या प्रॉपर्टी है। और मेरे पीछे तो आपको स्विमिंग पूल दिख ही रहा है, तो ये हमारे रूम से ही एक्सेसिबल है। काफ़ी लोग आए, हम लोग को लगा था कि बहुत कम लोग होंगे, बट काफ़ी लोग हैं, काफ़ी फैमिलीज हैं, तो काफ़ी सेफ़ है। मुझे पहले लगा था कि सेफ़ नहीं होगा, बट ये काफ़ी सेफ़ है और लोग भी अच्छे हैं, यहाँ के काफ़ी कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है। तो मैं रिकमेंड कर सकता आप लोग को, आप अपनी फैमिली के साथ आके या कपल्स में आके या किसके साथ भी आना, तो आके आप इंजॉय कर सकते हो द हिडन विलेज रिसोर्ट को। 3-स्टार होटल है ये, मतलब रिसोर्ट है। यहाँ पे स्पा होता है, दो तरीके की भाजी है, भाकरी स्वीट और दाल चावल भी है, चपाती भी है। तो लंच कर लिया है हम लोगों ने और काफी अच्छा खाना था। अभी मैं जा रहा हूँ गेम जोन में, जहाँ पे इंडोर गेम्स है। यहाँ पे आपको पुल, स्नूकर, कैरम, टेबल टेनिस, ऐसे काफ़ी सारे गेम्स अवेलेबल है इस रिसॉर्ट में, जो कि आप लोग इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे इंजॉय करने के बाद हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो इस साइड में आपको किड्स प्ले एरिया भी मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर आपके साथ किड्स है तो वो भी आके इस प्लेस को इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे भी उनके लिए काफ़ी सारे राइड्स और छोटे मोटे गेम्स है, तो बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें इस प्रॉपर्टी के अंदर है जो कि आप इंजॉय कर सकते हो। तो ऐसा छोटा सा सिटिंग एरिया है अपने रूम के बाहर ही, और यहाँ पे एक ऐसा एक वाटरफॉल है जो कि इसका पानी यहाँ से जाता है। तो ऐसा रूम था हमारा, काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस यहाँ का। और अब टाइम हो गया है यहाँ से निकलने का, क्योंकि क्या है ना कि 6:45 की एक लास्ट ट्रेन है जो कि दादर जाएगी, उसके बाद आठगांव से कोई ट्रेन नहीं है, डायरेक्ट 9 बजे की ट्रेन है। तो इसलिए हम लोग को ट्रेन मिस नहीं करनी। ऑटो यहाँ से मिल जाएगी, इनके 3 ऑटो वाले जो लेके जाते हैं और लेके आते हैं आठगांव से, 100 रुपया लेते हैं, तो उनको कॉल कर लेंगे और बुला लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे 6 बजे चेकआउट करके। देखते कुछ चाय कॉफ़ी का बंदोबस्त है कि नहीं, अगर होगा तो चाय कॉफ़ी पीते हुए निकल जाएंगे। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी
और आपको भी अगर अपने लिए एक डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो, 1 से 2 दिन के लिए अगर आप कोई जगह ढूंढ रहे हो, कोई रिसोर्ट ढूंढ रहे हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और अपने दिन को एंजॉय कर सकते हो। ग्रुप में आओगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा करोगे, कपल में भी मज़ा आएगा बट ग्रुप में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हाँ, अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके जाना इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में लेके आता हूँ अपने इस चैनल पे। चलो फिर चलते हैं ऑटो पकड़ के स्टेशन आठगांव। 100 रुपये लेंगे भाई अपने, क्यों यहाँ से सब ऑटो जाती नहीं ना इसलिए। और ये पार्किंग एरिया है, ऐसे बाहर जाना है।